एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट करे, हमारी संपत्ति को हड़प रहे। कुछ ताजा इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बल्कि बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं। ये तो साला होना ही था। India's abrupt export ban on all varieties of onion has posed a negative impact on onion markets in Bangladesh. और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे। बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गया। लोग रोडों पे झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं। आप बताएं इंडिया से दोस्ती। मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस वजह भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है लेकिन रहता नहीं है। प्याज तो इंडिया से आता है ना, यहाँ इंडिया से आता है। जो भी हमारा घर में है उस टाइम पर वो देता है। हमारा जो भी क्राइसिस होता है, जो भी हमारा कुछ नए नहीं मिलते खाने के लिए, उस टाइम पर नहीं देते। क्या क्या वजह, मुझे वजह बताएं। क्या पता इंडिया से बहुत लोग देखते हैं हमें, क्योंकि मैं जब नेट पे सर्च करता हूँ इंडियन आइडल को तो मैं सारी बात एक सिंगर हूँ। भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगला देश बनाने की कसम खा रखी है। ये तो होगा। दुनिया के 195 ममालिक में अजल से वक्त के बूढ़े हाथों में दिन रात का खेल जारी है। अच्छा, दुनिया में एक खत्ता ऐसा भी है जहाँ ये आहें और सिसकियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश पूरे तरीके से धरती पर आ चुका है लेकिन वो अपनी करामातों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। चीन के साथ मिलकर धुड़की दे रहा है, जैसे गिदड़ भभकी देता है। इस तरीके से अमित शाह ने झारखंड के एक बयान में साफ साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये जो रोहिंग्या घुसपैठिया यहाँ पर घुस रहे हैं, ये बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं, इन सबको कुत्ते की तरह मार मार कर बाहर भगा दिया जाएगा अगर झारखंड के अंदर बीजेपी सरकार आती है। जो कि आपने स्टेटमेंट सुनी भी होगी कि इसी तरीके से मतलब इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे संपत्ति का क्षय तो करते ही हैं, हमारे देश में आकर गंदगी भी ये फैलाते हैं। लेकिन उधर बांग्लादेश में जो है फिलहाल इस बयान से डर का माहौल है। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने चीन का जो है हाँ पूंछ पकड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो बार बार भारत को हिट कर रहा है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या बयान है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं फार्मिंग का काम करता हूँ, जानवरों का। जबरदस्त हो गया। और आप क्या करते हैं? सर मैं सेल परचेज का काम करता हूँ। सेल परचेज का काम करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले तो ये एक कॉमन सी बात करते हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो दो कंट्रीज हैं जो हिंदुस्तान से अलग हुए हैं, क्या वजह आज तक सेट क्यों नहीं हो पा रहे, अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? बांग्लादेशी भाग भाग के इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में चले जाए, इंडिया में जाके रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि हमारे लोगों का या हमारे मुल्क का दीन से दूरी है। अच्छा। दूसरे नंबर से ये बात है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए। लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम है जिस वजह से हम लोग परेशान है। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कह लें या ये कह लें जब तक मोहम्मद यूनस या इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो वाकई में रोड पे आ गए एक तरह के। क्या वजह समझते हैं? बांग्लादेशी कोशिश कर रहे हैं भाग भाग के हम इंडिया में चले जाएं, तो अलग होने का क्या मकसद था अगर आज भी यही सिचुएशन है? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिस तरह भाई ने गुफ्तगू अच्छी की है। अच्छा। कि हमारे जो हुक्मरान है, ठीक है, मैं हुक्मरान के बारे में कुछ नहीं कर सकता जितनी देर तक पब्लिक अपने आप को सेट ना करेगी। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ठीक कह रहे हैं। पब्लिक जो है वो ही अगर निजाम को चलाने वाले, अगर हुक्मरान अगर गलत है तो उन्हें गलत कहें। ठीक है, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान के साथ भी वही है, उनके साथ भी वही है। ठीक है, तो मैं तो नहीं इस चीज को समझता कि यार कम से कम अगर
हुक्मरान भी गलत है तो आवाम को भी सेट रखना चाहिए। अच्छा आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे, आपने ये जो बात की मैं एग्री करता हूँ, आप में से कोई बात करेगा जी? अच्छा मैं ये बताएं कि क्या वजह है हम दोस्ती या रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर लेते सब नेबर कंट्री के साथ बजाय इसके? वालेकुम सर। दोस्त नुमा दुश्मन कौन जो भी है? अच्छा जो बुक्स रखेगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है, प्यार से, प्यार से रहे, इखलाक से रहे, क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रहता। अच्छा बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, क्या वजह है आज वो भाग भाग के इंडिया वहाँ से जो लोग हैं ना, जैसे हम यहाँ से दुबई जाना चाहते हैं ना, बांग्लादेश इंडिया जाना चाह रहे हैं, क्या समझते हैं रिलेशन बेहतर थे उनके हालात? देखें इंडिया जाएं या बांग्लादेश जाएं, बात ये है अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा लेकिन अपने मुल्क में अगर गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, बच्चे भूख से भिलक रहे हो, फिर देखें ये फिर भी रहें, ये देखें इनको सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इधर से बाहर जाते हैं तो अपने पेट की खातिर जाते हैं, बच्चों के लिए खातिर जाते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे बांग्लादेश वाले अगर जा रहे हैं तो वो पेट की खातिर जा रहे हैं। अगर हमारा इधर मुस्तकबिल अच्छा होगा तो हम बाहर की नहीं सोचेंगे। ठीक है लेकिन इलीगल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे मुस्तकबिल अच्छा है या नहीं अच्छा। काम अगर आप दो नंबर करेंगे, फेक काम करेंगे, इलीगल जाएंगे तो डेफिनेटली आगे भी मुश्किल होगी उस कंट्री को भी जहाँ पे आप जा रहे हैं, और आपकी कंट्री को भी मुश्किल होगी, आपका इमेज खराब होगा। सबसे बड़ी बात ये है हाँ। कि सब भाइयों को, जितने भी दुनिया में भाई हैं, बहने हैं, ठीक है, सबसे बात यही करना चाहूंगा कि बस इखलाक से रहें, प्यार से रहें, जबरदस्त, ठीक है, जितने भी हैं मुसलमान हिंदू सब मिलके रहें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम खाने से हिंदू मुस्लिम मिलके रहें, मिलके रहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा खाने, थोड़ा खा ले, सुतरा खा ले, अच्छा खा ले, जबरदस्त हो गया, वरना समझ ले। आप क्या कहेंगे हिंदू मुस्लिम मिलके रहे? बात वही है ना कि मजहब पे तो हम किसी पे तकनीक नहीं कर सकते ना। जबरदस्त, आप एक मिसाल के तौर, आप पहले तशी है, अच्छा मैं आपको, मैं आप सुन्नी मान जाए, नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता, जो भी है वो उसका। मेरी बात सुनिए, सुन्नी शिया की बात नहीं है, किर्गिस का जहां और शहीन का जहां हो, अच्छा समझ गए, जिंदाबाद। किर्गिस मुर्दार खाती है, शहीन जो है ताजा खाती है। अच्छा समझे कि नहीं समझे? समझ तो गए लेकिन ये है कि हम, अच्छा आप भाईजान क्या कहेंगे, बांग्लादेश की सिचुएशन बेहतर होती नजर आ रही है? क्योंकि जो इंडिया के मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये बोला है कि आप अगर कोई इलीगल आएगा ना तो हमारी गवर्नमेंट में उसे सजा दी जाएगी, यानी कि इंडिया में अगर कोई इलीगल दाखिल होगा उसे सजा दी जाएगी, क्या वजह है रोड पे आ गए बांग्लादेश के लोग, ये बेहतर कैसे होगा? ये उनकी हुकूमत जो है वही कुछ सोचेगी उनके बारे में, फिर ही हालात सेट होंगे, वरना इस तरह हालात जो है इस तरह चलते रहेंगे। पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा? पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस ये जो हुक्मरान है अल्लाह इस हुकूमत को घर करे, ये निकल जाए तो अच्छी बात है। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई है। आप बताए इंडिया से दोस्ती? मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा किस वजह? क्या क्या वजह, मुझे वजह बताएं, क्या पता इंडिया से बहुत लोग देखते हैं हमें, क्योंकि मैं जब नेट पे सर्च करता हूँ इंडियन आइडल को तो मैं सारी बात एक सिंगर हूँ ना। अच्छा तो सुनाए, लो जी ये इंडिया इसलिए जाना चाह रहे हैं कि ये सिंगर हैं तो उधर टैलेंट की कदर है, इस वजह से सारी बात है। चले आप गाना सुनाए, मेरी बात सुने जितने लोग भी देख रहे हैं, आप गाना सुनाए, देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको इनकी आवाज पसंद आई तो इनकी वीडियो, इनके गाने को आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि पता चले कि हाँ भाई वहाँ पे वाकई में टैलेंट की कदर है। ले जी, क्योंकि इस वजह से मैं पहले वो बता दूं ना, अच्छा तकरीबन 3 से 4 हमारे सिंगर ऐसे हैं जो बहुत वायरल जरूर हुए हैं हाँ। लेकिन वो कदर की वजह से रह गए हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ जी अगर मैं भी आगे निकल के तो रह जाऊं तो मुझे फिर यही काम बेहतर, ठीक हो गया, यकीन जान। एक दफा गाना सुनाएं जबरदस्त किस्म का, रिलैक्स होके, ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, बहुत से लोग देखेंगे आप, क्यों नहीं, चले। गम है या खुशी है तो मेरे जिंदगी है, तो मेरे जिंदगी है, तो मेरी रात का चराग, 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 मेरी रात का चरा, मेरी नींद भी है तो, मेरी जिंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो। चले जी, अच्छा।
भूल जाने का हुनर। हाँ हाँ, एक ये लास्ट सुनाए उसके बाद मैं। मुझे तो लगता है ये सिंगर नहीं, सिंगर है। सिंगर नहीं, ये देखे ये पास खड़े बंदे ने आपके टैलेंट की कदर नहीं की। नहीं नहीं, टैलेंट की कदर है सर, बात पता क्या है, कम्बल के साथ पढ़े तो सब कुछ आएगा। नाक से थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये गा रहे थे, मुझे ऐसा फील। लो जी ले, सिंगर तो इधर ही मुकाबला शुरू हो गया। हाँ क्यों नहीं, ले जी सिंगिंग कंपटीशन शुरू हो गया। चले लव्स कितने, तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा।